चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। ईद मुबारक। ईद मुबारक माँ जी। लेकिन कौन सी ईद? चील कुरमा तो आपने बनाया नहीं। ले वो तो रात ही को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। माँ जी आपने चूल्हे पर तो रख दिया था लेकिन चूल्हा जलाना भूल गई ना। क्या? हाँ माँ जी। वुशो वुशे। ये लोग नमाज पढ़ के आएंगे तो अब क्या खाएंगे? माँ जी आप ईद के दिन भी झगड़ा करवाएंगी वैसे। चुप है। चल जल्दी से दरवाजे पे देखिए। ईद मुबारक बाजी। ये तेरा भाई है? माँ जी ये आपको बाजी कह रहा है। चुप है। क्या बात है? आज ईद का दिन है कोई ईदी सीधी दे बाजी। ओए कल आना शाबाश। चल। कल क्यों? क्योंकि कल हम घर पे नहीं होंगे ना इसलिए। अरे बाजी आप तो बड़ी ही कंजूस हैं। खबरदार जो तूने मुझे गाली निकालने की कोशिश की दफा हो जाए इधर से। चल आप उधर शीर खोरमा बनाते। माँ जी आप छोड़े मैं खोलती हूँ। माँ जी ये तो लॉक हो गया। तू घंटी बजा कोई ना कोई खोल ही देगा ना। अरे कैसे कोई खोलेगा घर पे कोई नहीं है। हम यहाँ बाहर हैं बाकी लोग नमाज पढ़ने गए हैं। माँ जी आपने क्या कर दिया है? ईद वाले दिन तो कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक आप लोगों को भी। अरे तुम लोग हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ खड़े हो? नहीं महमूद साहब मैं समझ गया जानू तुम हमारा मुंह मीठा करा के हमें घर के अंदर लेके जाओगी। इसे कैसे पता चला? माँ जी चुप करें यार। नबील ये दरवाजा लॉक हो गया हम अंदर भी नहीं जा सकते अब। क्या पता था दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। ओ माँ जी आपको जरूरत ही क्या थी बाहर आने की यार। नबील अब हम क्या ईद के तीन दिन इधर लॉन में गुजारेंगे? महमूद साहब मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है यार। कहीं जा भी नहीं सकते पैसे भी अंदर है। और हमारे पास जो थी वो हम फितरा दे आए हैं। नबील पड़ोस से पता करते हैं शायद कोई चाबी वाला मिल जाए। ईद के दिन कहाँ से मिलेगा चाबी वाला? पुत्र आइडिया। अरे चुप करो यार तुम अपना आइडिया अपने पास ही रखो। ठीक है मैं तो बस ये कह रही थी क्यों ना पड़ोसियों के घर ईद गुजार ले। क्या आइडिया है। अरे भाई कुत्तिया। अरे भाई कुत्तिया कहाँ हो? जी मैं यहाँ हूँ। अच्छा भाई कितनी देर है तैयार होने में? ले मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ। अरे भाई मैं तुम्हारी नहीं शीर खोरमे की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो भी तैयार है। वो कौन? शीर खुरमा शामी कबाब पुलाव सब कुछ। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है। भाई आपका दिया हुआ गिफ्ट है परफ्यूम छिड़का खाने में? नहीं नहीं बाबा कपड़ों पे। वेरी गुड बस बिटिया के ससुराल वाले किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। वो तो पहुंच ही जाएंगे लेकिन आपकी बेटी तो सांभर में बैठी है ना अभी तक। अरे भाई फिक्र ना करो वो भी दो घंटे में पहुंच जाएगी। मैं तो कहती हूँ ईद के फौरन बाद शादी कर ले बस। अरे भाई मुझे अपने लिए लड़की तो देखने दो। ओहो मैं आपको नहीं कह रही। हाँ तो फिर? बाबा आयशा के ससुराल वालों से बात करने के लिए कह रही हूँ। अरे भाई उन्हें आने तो दो। अरे मुझे लगता कि वो आ गए। जाए जाके दरवाजा खुले। मैं अकेला। ओहो तो क्या फौज बुलवाऊं दरवाजा खुलवाने के लिए? अरे भाई तुम भी चलो ना। आपसे तो कोई काम अकेले नहीं होता। हाँ चलो आ जाओ। चले आप लोग हैं कौन? अरे आप हमें नहीं जानते? नहीं आप बुलबुले नहीं देखते? ये बुलबुले क्या है? और चल पुत्र किन जाहलों में फंस गए चल इधर से चलते। ओ माँ जी इतनी सी बात पे कोई अपनों के साथ नाराज थोड़ा होते हैं। अपनों से? वो आप हैं कौन? हम आपके वो हैं। वो कौन? हाँ हम आपके हैं कौन? अरे भाई हम आपके पड़ोस में रहते हैं जावेद साहब के घर। अच्छा तो आप जावेद साहब के किराएदार हैं? अरे जी किराएदार तो वो समझते हैं हम तो मालकों की तरह रहते हैं। लो ए पुत्र जा अंकल से ईदी पकड़। ईद मुबारक अंकल। <आ, आ, आ, laughs>
जी बेटा आप भी आओ अंकल को ईद मुबारक बोलना है और 500 रुपए से कम नहीं लेना। बोलो जल्दी से ईद मुबारक। ये लो मेरा बच्चा, ये लो अंकल को पपी दो, पपी दो। गुड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ईद मुबारक। अंकल। ओ माँ जी हौका ना करें। आप लोगों के और भी बच्चे हैं? नहीं नहीं जी बस यही हैं। फिर मैं भी अपने बच्चों को बुला लेती हूँ जरा। हाँ हाँ जरूर। बच्चों। जी मामा। बेटा जरा मेहमानों को ईद मुबारक तो बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जाओ सारे बच्चे खेलो, सारे बच्चे खेलो, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, उधर 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 जाओ, उधर उधर खेलो मेरे बच्चे। ले जी महमूद साहब चल के जरा अंदर आराम से बैठ के बाकी बातें करते हैं। खीर तो बनाई होगी ना? आओ देखो कौरमा भी होगा। आने आने आने। ये क्या मुसीबत हो गई है? ये कहाँ से आ गए लोग? अरे वाह 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 नबील बहुत अजीब लग रहा है। वो जानू बूढ़ा आदमी है, जवानी में गलत हरकतें की होंगी, मुंह पे आ गई, मत देखो उसकी तरफ। नबील मैं उनकी बात नहीं कर रही। फिर तुम मेहमान साहब की बात कर रही हो? नहीं यार हम इस तरह मुंह उठा के इस घर में आ गए, मैं इसकी बात कर रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। ना तो हम अपना मुंह के अपने घर रख के आ जाते मोम ना। खूबसूरत। हाँ हम अपना खूबसूरत सा मुंह अपने घर रख के आ जाते क्या? ओ मेरी जान, पड़ोसियों का पड़ोसियों पर बहुत हक होता है, रिश्तेदारों से भी ज्यादा। हाँ पुत्र चल बैठ ना। और अंकल कैसे आप? मेरा नाम अनवर है। हाँ अनवर अंकल कैसे हैं आप? वैसे तुम शक्ल से छोटे लग तो नहीं रहे। वो महमूद साहब बड़े ही छोटे हैं यार। नबील महमूद साहब ने बस कद तरह जल्दी निकाल लिया है। वो जो मैंने जल्दी निकाला है वो कद है? हाँ जी। अच्छा जी ये आपकी बहू है? हाय अल्लाह जी आप भी धोखा खा गई ना। मैं इसकी बहू नहीं हूँ, उसकी सास हूँ। मैं इनकी बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी इसी की सास हूँ ना। बेगम जल्दी से खाने के लिए ले आओ। हाँ जी अभी लाई। ओ माँ जी आप बेगम नहीं है, वो हैं। हैं? तो फिर आप मुझे बेगम क्यों कह रहे हैं जी? मोमो तुम मेरी बेगम हो और ये इनकी है। अच्छा तो हम दोनों के नाम बेगम है। आए चले कुछ खाने के लिए लेकर आते। खाने में क्या बनाया आपने? शेर खुरमा। लेकिन मुझे तो गोश्त और चावलों की खुशबू आ रही है। ये आप क्या कर रही हैं? मैं नमक चख रही हूँ ना। आप जाके बाहर बैठे ना, मैं ला रही हूँ। ना ना तुम ना मुझे साफ साफ बोटियाँ नहीं दोगी? क्यों नहीं दूंगी भाई? इसलिए कि हम भी अपने मेहमानों को साफ बोटियाँ नहीं देते। बच्चे पापा मांग रहे हैं। भाई ये मुझे पापा कह रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि मैं इनका पापा हूँ। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? बेटा आप रो क्यों रहे हैं? आपके बच्चे हमें मार रहे हैं। तो आप उन्हें जाके मारे। कैसे मारे? बेटा मैं बताता हूँ कैसे मारने। आप जाके ना इधर जाओ, शाबाश शाबाश जाओ, जाओ खेलो शाबाश शाबाश, ऐसे मार रहे। बच्चों को बता दिया मैंने। माँ जी खबरदार जो नियत लगाई हो मेरे पुलाव पर वो तेरे लिए भी ला रही है। चले जी खाना लगा दिया मैंने। अरे आपने इतनी जल्दी खाना लगा दिया? अरे हाँ भाई हमें जरा जल्दी है, बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे वाह भाई इसका मतलब यहाँ खूब रौनक लगने वाली है ना महमूद साहब? हाँ भाई नबील हम भी तो देखे ना हमारी बहन के ससुराल वाले कैसे हैं। क्या? अरे आंटी आप फिक्र मत करें, हम सब संभाल लेंगे। जानू तुमने आंटी का हाथ बटाना है। शट अप नबील। ओके जानू, आंटी आपने सारे काम खुद करने हैं ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो। वो सब बाद में कर लेना, पहले इसमें मेरे लिए थोड़ी सी ग्रेवी तो डाल के लाना। खुद जाके निकाल ले। वशी। और आप जरा आए ना इधर मेरे साथ बेडरूम में। जी भाई मुझे कह रही है। चले ना महमूद साहब खाना लग गया है। आ जाओ आ जाओ जानू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कौन है?
मैं अकेला हूँ अकेला। कौन अकेला? मैं अकेला। अरे हमारा मतलब है कि आप हैं कौन? अकेला। भाई आप यहाँ कर क्या रही हैं? मैं खाना खा रही हूँ ना। ये औरत पागल है क्या? मुझे क्या पता जी, आप ही के साथ आई है। देखिए मैं क्यों देखूं भाई, किसी डॉक्टर को दिखाओ। हमें अनवर साहब से मिलना है। कौन अनवर? इस घर के मालिक और कौन? इस घर की मालिक मैं हूँ। क्या? तो वो लोग जो पहले यहाँ रहते थे वो कौन थे? वो तो किराएदार थे। किराएदार? हाँ जी, बदबख्तों ने ना 6 महीने से किराया नहीं दिया हुआ था, हमने धिक्के मार के निकाल दिया उनको। क्या बोल रही है आप? अनवर साहब को फोन करें ना। अच्छा महमूद साहब यार उठाएं। यार मैं खाना खा रहा हूँ, तुम जाके खुद ही देख लो। महमूद साहब हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, यार उठा ले। नबील किसी और का फोन कैसे उठा ले? वो जानू कैसी बातें कर रही हो, वो नहीं उठा रहे तो हम तो उठाएंगे ना। उसे यार देखे जाके क्या यार उठाता हूँ नबील, मुझे ना खाने देना तू। महमूद साहब जरूरी कॉल हो सकती है यार। क्या हो गया जानू? चलो तुम खोजली खोजली का वो आ रहे। हेलो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ अनवर? कौन बोल रहा है? अच्छा तो तुम अब मुझे पहचानोगे भी नहीं? अरे हमारे बेटे का रिश्ता मांगते हुए तो बड़े बड़े झूठ बोले थे तुमने। अरे तभी से बात करो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अच्छी तरह जान गए तुम्हें, फ्रॉड साले। तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, किराए के घर को अपना बोला और करोड़ों का बिजनेस बताया, घटिया इंसान। अरे तू घटिया, तेरा सारा खानदान घटिया। मेरा खानदान घटिया? हाँ। तो मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करता हूँ। लानत भेज रिश्ते पे, मुझे पुलाव खाने दे। क्या हुआ, क्या कहा अनवर साहब ने? पुलाव खाने दो। क्या? ओए खबरदार, जो मेरे पुलाव पे नियत लगाई हो, दफा इधर से चलो। तुम टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना लूं? ईद के रोज हमारे घर घुसाए और अब जाने का नाम नहीं ले रहे। जावेद साहब तो माकूल आदमी नजर आते हैं, पत्नी किस किस्म के किराएदार रख लिए उन्होंने? अनवर मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने आना है और उनके आने से पहले इनको दफा करें यहाँ से। भाई खाना रख लिया है, मेरे ख्याल में खाना खा के चले जाएंगे, बस तुम थोड़ा सा और सफर कर लो। Excuse me, ladies and gentlemen. अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं मैं कर नहीं रही, मैं करने आई हूँ। वो किधर है? वो क्या? लैट्रिन। वो सामने। थैंक यू। अरे ये प्लेट तो यहाँ रख दे। फाटक है, तू इसे खा ले, समझा अपनी बहन को। तुम यहाँ बैठो, मैं उन्हें देखता हूँ। अरे क्या हुआ बच्चों, आप क्यों रो रहे हो? उन दोनों ने हमें दोबारा से मारा और एक लोने भी ले लिए। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग दोनों बड़े हो, वो दोनों छोटे हैं। अपने टॉयज उनको दे दो, उनको खेलने दो, आप देख लो। शाबाश मेरे बच्चे, जो 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 शाबाश। अनवर साहब आपके बच्चे बड़े ही शरीर हैं। हाँ जी। ले भाई नबील, मैं जरा कमर सीधी कर लो। अरे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अरे आप क्यों खड़े हो गए भाई, आप बैठे बैठे मुझे बता दीजिए कि आपका बेडरूम कहाँ है। हमारे बेडरूम में आप क्या करेंगे? अब भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे। आओ मोमो थोड़ा आराम कर ले। मैं तो करके आ गई हूँ, अब आप कर ले। पर आप अपने घर में जाके आराम क्यों नहीं कर लेते? अरे नबील क्या हुआ महमूद साहब? अरे वो जो बात इन्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी वो तो हमने इन्हें बताई नहीं है। कौन सी बात? वो एक्चुअली हमारे घर का दरवाजा लॉक हो गया और घर की चाबियां अंदर रह गई हैं। और आज ईद का दिन है ना, तो कोई चाबी वाला भी नहीं मिल रहा। तो अरे इसीलिए तो हम ईद मनाने आपके घर आए हैं। और चाबी वाला? वो तो अब ईद के बाद ही मिलेगा। तो फिर अब आप लोग जाएंगे कहाँ? जाना कहाँ है जी, इतने अच्छे हमसायों के होते हुए हमें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? क्यों महमूद साहब? और क्या? क्या सुनो, किसी चाबी वाले का नंबर है तुम्हारे पास? भाई अनवर बोल रहा हूँ। ईद मुबारक को छोड़ो भाई, किसी चाबी वाले का नंबर दो। हेलो आप इलियास चाबी वाले बोल रहे हैं जी? मुझे अपने घर का ताला खुलवाना है। क्या आप छुट्टियों में गांव गए हुए हैं? अरे नहीं भाई, ईद के बाद नहीं, अभी चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर। नहीं आ सकता क्या? अरे भाई सब लोग ईद की छुट्टियों पर गए हुए हैं। मैं भी चली जाऊंगी अगर ये लोग ना गए तो। मैं क्या करूं? ड्राइवर से कहे कि वो कहीं से भी बुलवाए, चाहे वो गांव जाकर लेकर आए, बस मुझे चाबी वाला चाहिए। हेलो नियाज, अबे ईद मुबारक को छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन, कहीं से भी चाबी वाले को पकड़ के ला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाबी वाला चाहिए वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अनवर प्लीज आयशा के ससुराल वालों से कहें कि थोड़ा लेट आए। अच्छा अच्छा कहता हूँ। खा लो।
भाई वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। ओहो क्या मुसीबत है। भाई हमने चाबी वाले को बुलवा लिया है। क्यों का आपके घर का दरवाजा भी लॉक हो गया भाई? आपके घर के लिए बुलवाया है। अरे हमें कुछ जल्दी नहीं है, ईद के बाद बुला लेते। लेकिन हमें है। हेलो अपने मियाँ से कहो कि आइंदा हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया बहन? खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बहन का झूठे कमीने बेशरम। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? औकात याद दिला रही हूँ तुम लोगों को तुम्हारी। हमें कहते हैं कि घर तुम्हारा है। अरे तुम लोग तो खुद किराएदार हो और वो भी ऐसे किराएदार जो 6-6 महीने किराया नहीं देते। ये आपको किसने कहा है? अभी तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। तुम्हारी मालिक मकान ने तुम्हारी सारी असलियत बताई है हमें। हमारी मालिक मकान? आपको कोई गलत फहमी हुई है बहन। बकवास बंद करो। मैंने तो फोन सिर्फ इसलिए किया है कि रिश्ता तो हम खत्म कर ही चुके हैं, लेकिन हमें वो सारा जेवर वापस चाहिए जो हमने तुम्हारी बेटी को दिया है। क्या अंदर आशा के ससुराल वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया है? क्या? हाँ वो अभी अभी हमारे घर से होके गए और कह रहे हैं कि हमारी मालिक मकान ने हमारी असलियत बता दी है। मालिक मकान कौन? चल पुत्र अब चलते हैं, लगता है बिस्ती का टाइम आ गया। किसने मेरी बेटी के ससुराल वालों से ये सब कुछ बोला है? तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हुआ है। अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी खानदान में? अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? आंटी आप फिक्र मत करें, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। What? अगर आपको इस शख्स की ये बात घटिया लगी है तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। अरे आराम से आराम से बच्चों को तो बुला लेते। सोना चांदी ना। अरे यार ये कपड़े तो नहीं खराब करो यार। निकलो बाहर। चल चलो निकलो। चलो हाथ ना लाई मैंने। हट चलो हट चलो। अरे कितने घटिया लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में। आइंदा मैं बाहर के दरवाजे को ताला लगा के रखूंगी। चलो भाई आयशा के ससुराल वालों को फोन करके बताओ कि हमारे साथ हुआ क्या है आज। क्या हुआ? ये तो खोल नहीं रहा। ओ, तुमने भी तो कहीं अंदर से लॉक नहीं कर दिया? मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ हो गया। ओए, ड्राइवर को फोन करो, उसे कहो चाबी वाले को लेकर आए। फोन फोन तो अंदर है। क्या हाँ धोती है बेशर्मी की नबील, इतनी बेइज्जती हुई है हमारी वो भी तुम्हारी माँ जी की वजह से। चुप है आप। चुप करें माँ जी, आपकी वजह से पूरी ईद सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। क्यों सड़क पर गुजारनी पड़ेगी? हमारे बाकी हम साहब मर गए हैं जानू। महमूद साहब फारूकी साहब के चलते हैं ईद मिलने। भाई नबील उनकी तरफ जरा अलग किस्म का खाना होना चाहिए। ये चीज महमूद साहब। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल।